हेलो रोशन सिंह, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। अगर आप व्हाट्सअप स्टेटस चैनल के क्रिएटर हो तो अगर आपने चैनल खोला है तो पहले मैं दोस्तों ये बोल दूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक ठिक्के मारिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो। पर दोस्तों ये आपको थोड़ा डीमोटिवेट करेगा, पर घबराइए नहीं, मैं आपको मोटिवेट भी करूँगा। और ये भी बता दूं कि आपको कुछ बाद में डाउट रहे तो कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आप थंबनेल और टाइटल देखकर तो समझ ही गए होंगे। तो बात क्या है, तो दोस्तों ये है कि व्हाट्सअप चैनल आपको अब नहीं बनाना है, उस पर काम करना छोड़ देना है। मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करूंगा दोस्तों बिना कोई टाइम लिए, क्योंकि मैंने एक डीपली वीडियो बनाया था, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एकदम पूरा क्लियरली समझा है, उस पर मैंने अपना एक्सपीरियंस भी ये किया है, बताया है, और क्यों नहीं खोलना है वो पूरा डिटेल में बताया। पर इसमें मैं थोड़ा फास्ट तरीके से बताता हूँ, वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिए ये वीडियो होने के बाद। तो आप पहले लाइक कर दीजिए दोस्तों। ये काम इसलिए नहीं करना है क्योंकि जो आप 30 सेकंड का कंटेंट बना तो बहुत ही इसी रिस्की रहता है। जो कंपनी रहता है बिहाफ तो पेमेंट लेता है, वैसे भी आप इसमें ज़्यादा नहीं कमा सकते। अगर पहली बात कमाने का तो बात दूर छोड़ दीजिए, व्हाट्सअप स्टेटस चैनल मोनोटाइज नहीं होता है जल्दी। वो भी मैं आपको ये बता दूँ कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर हमारे बहुत सारे कॉपीराइट पड़े रहते हैं, बहुत सारे कमिटी गाइडलाइन पड़े रहते हैं, बहुत सारे उसके ऊपर स्ट्राइक्स रहते हैं। और दूसरी बात, वो जो स्टेटस रहता है बहुत ही 30 सेकंड का रहता है, तो उस पर कोई भी अपना ऐड डालना नहीं चाहेगा। यूट्यूब ऐसा जिम्मेदार लेता है, जिम्मेदारी जिनका ऐड रहता है, कि ऐसे लोग क्रिएटिविटी के ऊपर डालता है। तो जैसे अभी मैंने कंटेंट बनाया, तो कंटेंट अच्छा बेस्ट कंटेंट के ऊपर ज़्यादातर 1 मिनट से ज़्यादा के ऊपर वीडियो पे ऐड आते हैं, तो आप पे वो ऐड नहीं डालेगा। तो मेरा भी जो अकाउंट था वो बैन हो गया था, क्योंकि वो एक था जो अकाउंट इंडियन क्रिएटर करके, वो बैन हुआ था ये स्ट्राइक्स के वजह से। वो भी स्ट्राइक कैसे आई थी, मैं भी सर्च मारता था यूट्यूब पे कि क्या इस पर कमा सकते कि नहीं है वो। पहले मैं वही सब करता था, बाद में फालतूगिरी में छोड़ दिया। तो बाद में फिर ये पता लगा मुझे खुद एग्जैक्ट एक्सपीरियंस। मैंने पोस्ट किया था 200-250 वीडियो, 3000 मेरे सब्सक्राइबर्स थे, लाखों में मेरे कितने 3-4 लाख के ऊपर मेरे व्यू थे। इतना फटाफट वीडियो डाला कि 1000-1500-2000 फटाक से व्यू आते थे, मीन्स 1-2 दिन में। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि दोस्तों आज नहीं, 30 दिन के बाद मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक पर गया था। ऐसे ही कर करके मेरे 250 वीडियो थे, 3 महीने मैं रुका नहीं पोस्ट किया। फिर अगले 3 महीने में कोई ना कोई एक वीडियो वायरल होता, उसको कॉपीराइट पड़ जाता, फिर वो बैन। वैसे मेरा वो चैनल बैन होकर दूसरा जो था स्टेटस गुरुजी करके, तो उस पर मैं डालता था, तो उस पर क्या प्रॉब्लम होता था कि वो मोनोटाइज हो गया था दोस्तों। पर वो उस टाइम इसलिए मोनोटाइज हुआ था क्योंकि मैं बहुत ही पेशेंस से काम कर रहा था, कि उस पर मतलब जो था एकदम खुद से एडिटिंग करके। ये एडिटिंग का भी कमाल रहता है कि सामने वाली कंपनी को ये नहीं पता चले कि अपना कंटेंट लिया है, और उसको जिस दिन पता चल गया ना, वो कॉपीराइट स्ट्राइक फेंक के मारेगा आपको। पर मैं ऐसे किया था, तो ये हुआ था। पर मैं आपको बता दूं, वो मैंने जो चैनल किया था मोनोटाइज तो कर लिया था, ऐड पर नहीं आते थे, और जितने भी ऐड आए थे तो वो क्लिक इतना हो गया कि मेरा जो वो अकाउंट वो जो मोनोटाइज वो डिसेबल हो गया। और मैं यही बताना चाहता हूँ, वो डिसेबल हो गया और ये अकाउंट का आप कोई फ़ायदा नहीं। और उसके ऊपर अभी 2 कॉपीराइट स्ट्राइक भी पड़ चुके हैं, कितना भी चालाक बन रहे हो, कंप्यूटर अपने चालाक रहता है। मैं पहले वीडियो में बताया हूँ। तो दोस्तों मैं सिंपली मैं आपको बता दूँ कि आपको ये रिस्की काम नहीं करना है, क्योंकि आप ये टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको ये टाइम वेस्ट छोड़ के आपको करना क्या है कि मतलब जो आप टाइटल डिस्क्रिप्शन ये डालते हो, थंबनेल बेचारा किसी का लेके एडिट करके इतना छोटा उसमें इफेक्ट डाल के, नॉर्मली आप कैमरा रखो, मैं जैसे आपको 3-4-5 मिनट के लिए वीडियो बना रहा हूँ उतना ही वीडियो बना दो। आपको जो मन में आ रहा है, प्यार की बातें बोलो, दुश्मनी है तो दुश्मनी की बातें बोलो, जो भी रेबल हो रेबल की बातें बोलो, जो भी अभी हिंदुस्तानी भाव है वो क्या करते हैं, कैमरा लेते रखते हैं, मोबाइल लेते हैं, और जो भी उनके मन में रहता है, जो भी सच्चा दिल में रहता है वो बोल देते हैं। उन्होंने 2 महीने में कितना ग्रोथ किया दोस्तों, आज वो बिग बॉस में बैठे हैं। बहुत सारे क्रिएटर हैं, बीबीक्यू वाइंस क्या करते थे, पहले खुद से वीडियो बना के नॉर्मली कट कट करके डालते थे। तो दोस्तों एक ही बार मत सोचो कि मैं एकदम ट्रेंडिंग में आऊँगा, ये कंटेंट बनाओ, आप 3-4 महीने का वेट करो। कोई खुद का कंटेंट हो तो व्लॉग बनाना, व्लॉग बनाओ, कहीं गए बाहर आप घूमने वाले, कॉलेज गए, कॉलेज के दोस्त हैं मेरे ऐसे, मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ। टैक्स वाली बात बोलना, टैक्स वाली पर मैं ये आपको बोलूँगा कि टैक में मत आइए, क्योंकि टैक में आपका कोई फ़ायदा नहीं। बहुत सारे लोग हैं, अगर आना तो आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको बहुत टैक में भी अलग अलग है, आपको कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर मारना आ गया, कोई एंटीवायरस हटाना आ गया, ये अगर आपको आता है तो वो कर दीजिए। स्टंट राइडर हो तो स्टंट कर दीजिए, पर वो थोड़ा रिस्की रहता है दोस्तों। अगर या फिर कोई और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, तो टिकटॉक के ऊपर भी जो चैनल बनाते हो वो भी बंद कर दीजिए दोस्तों।
और ये और भी मैं बताता हूँ कि जैसे कि आप आपके घर में कोई दीदी या फिर आपको या फिर आप खुद लेडीज हो तो मेहंदी के ऊपर वीडियो बनाइए दोस्तों, 3 महीना में देखिए दोस्तों आपको इतने चैनल पर सब्सक्राइब आएंगे ना इतने, क्योंकि अभी उसका जो ये है पब्लिक जो मतलब उसके सर्च व्यू ज़्यादा है पर बनाने वाली क्वांटिटी कम है, मींस ऑर्डर ज़्यादा है पर जो हम सेल करते हैं वो प्रोडक्ट कम है। तो आपको यही करना है कि संभालना है आपको और सीधे पोस्ट करना है दोस्तों। कॉल आ गया, एक सेकेंड। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे यही कि आपको व्हाट्सअप स्टेटस नहीं काम करना, अगर आप मोनेटाइज कर लियो तो आपको काम करना है कोई बात नहीं, पर आपको मोनेटाइज स्टेटस के जो चैनल है वो बैन हो सकता है, आपका जो मोनेटाइज एप्लीकेशन ये है चैनल भी है वो भी बैन हो सकता है। दोस्तों साफ बोल दूँ कि आपको चैनल पे नहीं काम करना है, कोई और चैनल पे काम करना है ये भी बता दूँ। दोस्तों आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर से लाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, कुछ हेल्प चाहिएगा तो मैं फ्री हेल्प करूंगा दोस्तों आपका एकदम, दोस्तों आपका एकदम आपका ही फ़ैन हूं मैं व्यूवर्स का मैं एकदम सर्वेंट हूं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा दोस्तों। जय हिंद।